हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल अपना ब्लॉग में। और मैं आज आपको बताऊंगा कि अपने Android फोन का जो भी ऐप आप यूज करते हैं वो अपने लैपटॉप में या पीसी में कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना है वो चीज मैं सारी आपको लैपटॉप पे ही बताऊंगा। तो अभी मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। चलो देखते हैं कि अपने फोन का जो भी ऐप है वो सारे लैपटॉप में कैसे देखें। अब हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर, और अब मैं आपको बताता हूँ कि अपने लैपटॉप में ऐप कैसे यूज कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फोन के। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ क्रोम ब्राउजर में, और क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद खोलते हैं अपने को गूगल। गूगल खोलने के बाद अब हम टाइप करेंगे ब्लू स्टार्स। देखो सबसे पहला नाम आ गया है ब्लू स्टार्क्स। तो इसको खोलने के बाद जो पहला अपना लिंक है उसको ओपन करेंगे। उसको ओपन करने के बाद देखिए ये कॉर्नर पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो डाउनलोड ब्लू स्टार, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। और देखिए अपना डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारा डाउनलोड हो चुका है, तो मैं आईडीएम में जाकर इसको इंस्टॉल कर लेता हूं। और इसको मैं अब इंस्टॉल करता हूं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं कि हमारे नए नए वीडियोस आपको मिलते रहें। और ये लगभग हमारा सॉफ्टवेयर है 518 MB का, इसमें वैसे 2 मिनट बता रहा है, देखते हैं स्पीड अपनी ठीक आ रही है वैसे तो। देखिए हमारी डाउनलोडिंग चल रही है, और इसमें खाली जो आपके प्ले स्टोर के ऐप हैं जो कि एंड्रॉइड फोन में यूज होते हैं वो ही चलेंगे, आईफोन के ऐप नहीं चलेंगे इसमें। अब ये हमारी डाउनलोडिंग कंप्लीट होने वाली है, 90% हो चुकी है। ये देखो हमारी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई है, अब ये इंस्टॉल हो रहा है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये खुद ही अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। और देखिए दोस्तों ये हमारी कंप्लीट होने वाली है, 98 हो चुकी है, 99 इंस्टॉल हो चुका है हमारा जो सॉफ्टवेयर था। उसके बाद मेन प्रोसेस चालू होगा जो कि मैं बताऊंगा इसको ओपन करने के बाद। तो पहले इसको फिनिश होने देते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ इसमें करना क्या है। और उससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें कि हमारे नए नए वीडियोस आपको मिलते रहें। ये देखिए ये अपना रीस्टार्ट पीसी, रीस्टार्ट सर्च
ये रीस्टार्ट पीसी करते हैं हम। हेलो दोस्तों, अब हमारा पीसी स्टार्ट हो चुका है, हमने रीस्टार्ट करा था। और अब रीस्टार्ट करने के बाद अपना ऐप ओपन करेंगे तो ये अपना साइन इन का साइन आएगा, क्योंकि तो हमारा ये सॉफ्टवेयर जो है बूट हो चुका था। तो हम साइन इन पर साइन करेंगे, क्लिक करेंगे मतलब, सॉरी, क्लिक करने के बाद फिर से साइन इन। और इसमें जो है आप अपना कोई भी ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं जीमेल की। वैसे तो ज्यादातर सबके पास ईमेल आईडी होती है जो कि एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, तो मैं अपने एंड्रॉइड फोन की ही ईमेल आईडी यूज करता हूँ इसमें। और इसमें फिर पासवर्ड डालता हूँ। नेक्स्ट करते हैं। और आपकी ईमेल पर मैसेज आ जाएगा अगर आपने सिक्योरिटी ऑप्शन ऑन कर रखा है तो, जैसे कि मेरे फोन पर आ चुका है और मैं इसमें यस कर देता हूं। और देखिए ये स्टार्ट हो गया है। अब स्टार्ट होने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे सारे ऐप आ चुके हैं इसमें। और अब मैं आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करके दिखाता हूँ, जैसे कि हम स्टार्ट कर लेते हैं इस वाले गेम को, 22 MB का है, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। इसका भी वही प्रोसेस है जैसे कि आप अपने फोन में करते हैं। ये छोटा सॉफ्टवेयर क्या है कि आपको दिखा सको, पहले आप चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं इसमें। और मैं ये ओपन कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, अब मैं ऐप इंस्टॉल अपना प्ले करता हूँ। थोड़ी सी हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ रही थी अपने लैपटॉप में, तो मैं अपने फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। तो देखिए आपको इसमें क्लियर दिख रहा होगा, तो इसमें मैं दिखाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। मेरे काफ़ी सारे वीडियो जो हैं उसमें थोड़े कट गए हैं, जो मेरी पहली रिकॉर्डिंग है तो उसमें रिकॉर्डिंग सही नहीं आई थी, तो मैंने ये फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। तो देखिए ये अपना फोन जो ऐप है स्टार्ट हो चुका है, तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ आप किस तरीके से इसको खेल सकते हैं, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। आप कोई भी किस तरीके का भी सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में डाल सकते हैं। और देखिए इसका आइकन जो है अपना यहाँ नीचे आ गया है इसका, आप चाहें तो इधर से भी इसको ओपन कर सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं कि हमारे नए नए वीडियोस आपको मिलते रहें।